Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी, मरीजों की मजमूई तादाद 8,08,120 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 20,835 हो गई। कनाडा में हालिया सर्दी के मौसम में बेघर अफराद की मुश्किलात मजीद बढ़ गई, पनागाहों को भी दबाव का सामना है। विफाकी हुकूमत का हाउसिंग मंसूबा बेघर अफराद के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। ऑन्टेरियो हुकूमत का सूबे में मरहलावार पाबंदियों में नरमी का ऐलान, 9 फरवरी से पाबंदियों में नरमी की जाएगी। टोरंटो, पील और यॉर्क रीजन में पाबंदियां 22 फरवरी तक कम होने का इम्कान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 10,70,00,000 से मुतजावज, मूजी वायरस से अमवात 23,37,368 हो गई। अमरीकी रुकन कांग्रेस कोरोना से इंतकाल कर गए। टेक्सास से ताल्लुक रखने वाले 67 साल रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस ने 21 जनवरी को कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक की थी। अमरीका में हैकर्स ने हजारों अफराद की जानों को खतरे में डाल दिया। हुकाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हजारों अफराद की सेहत और जानों से खेलने की कोशिश को नाकाम बना दिया। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना वैक्सीन से मुतालिक तहफ़ुज़ात का इजहार कर दिया। WHO के सरबराह कहते हैं, अफ्रीका में जिस तहकीक के नतीज के बाद वैक्सीनेशन मुअत्तल की गई, उसमें कई अहम पहलू मद्देनजर रखने चाहिए। गुलूकार शहजाद रॉय के नए गाने में मोदी की खिंचाई और अभिनंदन की हुई सरप्राइज एंट्री, मदाहों में पजीराई। एक और अदाकारा भारतीय किसानों के हक में बोल उठी, उर्वशी रुटेला कहती हैं, किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,57,911 है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 8,08,120 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 20,835 हो गईं, जबकि 7,47,110 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,70,911 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 10,046 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 2,79,472 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,338 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,27,036 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 1,710 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 70,952 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,259 है। कनाडा में बेघर अफराद के लिए विफाकी हुकूमत का हाउसिंग प्रोग्राम एक लाइफ लाइन है, जो कोरोना वायरस के दौरान महफूज रहने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में बेघर अफराद के लिए विफाकी हुकूमत का हाउसिंग प्रोग्राम एक लाइफ लाइन है,
जो कोरोना वायरस के दौरान महफूज रहने की कोशिश कर रहे हैं। माहरीन का कहना है कि वबाई अमराज के दौरान पनागाह महदूद होने की वजह से मुस्तकिल रिहाइश की जरूरत और भी ज्यादा है। माहरीन का कहना है कि इस मौसम सरमा में बेघर अफराद को पहले से ज्यादा खतरे का सामना करना पड़ा है। प्रीरीज में जहां दर्जा हरारत -30 से -40 तक पहुंच गया है, जबकि कोरोना वायरस के सबब पनागाहों में दाखिला भी महदूद है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक लोगों का अपने घर वबाई सूरत हाल के दौरान खुद को महफूज रखने की एक बेहतरीन जगह है। ऑन्टेरियो में कारोबारी अफराद को महदूद सलाहियत पर कारोबार दोबारा खोलने की इजाज़त होगी। सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि सेहत आमा के 3 यूनिटों में पाबंदियां कम होती नजर आएंगी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो में कारोबारी अफराद को महदूद सलाहियत पर कारोबार दोबारा खोलने की इजाज़त होगी। सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया है सेहत आमा के 3 यूनिट्स में पाबंदियां कम होती नजर आएंगी। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड ने इस बदलाव का ऐलान उनकी हुकूमत के ऑन्टेरियो के 34 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को बतदरीज किलर कोड से दोबारा खोलने वाले फ्रेमवर्क में मुंतकिल करने के मनसूबे के तहत किया। ऑन्टेरियो सूबे में 26 दिसम्बर से लॉकडाउन नाफिज है और 4 हफ्ता कबल ही स्टे एट होम ऑर्डर शामिल किया गया था। डग फोर्ड ने कहा कि आज हम बादलों से सूरज की रोशनी का कुछ वक्फा देख रहे हैं। आने वाले दिनों में सूबे के चंद हेल्थ यूनिट्स में भी स्टे एट होम ऑर्डर उठा लिया जाएगा। चंद हिस्सों में 16 फरवरी तक बरकरार रहेगा। ताहम टोरंटो, पील और यार्क के इलाकों में कम से कम 22 फरवरी तक ये हुक्म नाफिजुल अमल है। आने वाले हफ्तों में सूबा आहिस्ता आहिस्ता मजीद खितों को रंगीन कोड वाले निज़ाम में मुंतकिल कर देगा, जिसमें सब्ज, पीला, ऑरेंज, सुर्ख और सुरमई लॉकडाउन मरहले शामिल हैं। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 10,70,37,467 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 23,37,368 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 2,56,39,347 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में है, जिनमें से 1,02,997 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 7,79,13,804 कोरोना मरीज सेहत याब हो चुके हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका में 4,76,405, भारत में 1,55,195, ब्राजील में 2,32,248, बरतानिया में 1,12,798, फ्रांस में 79,423, स्पेन में 62,295, इटली में 91,580, तुर्की में 26,900, जर्मनी में 62,597, सऊदी अरब में 6,406, चीन में 4,636, पाकिस्तान में 12,066 अफराद मौत के मुंह में पहुंच गए हैं। मोहल्ले कोरोना वायरस ने अमरीकी रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस रॉन राइट की भी जान ले ली। खबर एजेंसी के मुताबिक रॉन राइट के साथ उनकी अहलिया भी कोरोना वायरस से मुतासर हुई थीं, जो अस्पताल में जेर इलाज हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस रॉन राइट भी कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। टेक्सास से ताल्लुक रखने वाले 67 साल रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस ने 21 जनवरी को कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक की थी। खबर एजेंसी के मुताबिक रॉन राइट के साथ उनकी अहलिया भी कोरोना वायरस से मुतासर हुई थीं, जो अस्पताल में जेर इलाज हैं। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस रॉन राइट 2018 में कांग्रेस के रुकन मुंतखब हुए थे। अमरीका में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,500 अमवात हुई, जिसके बाद हलाकतों की मजमू तादाद 4,500 से भी बढ़ गई। अमेरिका में साइबर हमले की खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसमें हैकर्स ने हजारों अफराद की जानों से खेलने का मंसूबा तैयार किया था। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमेरिका में साइबर हमले की एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसमें हैकर्स ने हजारों अफराद की जानों से खेलने का मंसूबा तैयार किया था। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत फ्लोरिडा के शहर ओल्ड्समार के एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सॉफ्टवेयर सिस्टम पर हैकर्स ने हमला किया और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सॉफ्टवेयर का कंट्रोल हासिल कर लिया। हैकर्स ने पानी साफ करने के टैंक में सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ा दी, जिसका ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। प्लांट पर काम करने वाले एक मुलाजिम ने गैर मामूली सूरत हाल देख कर मालिक को खबरदार किया, जिसके बायस फौरी तौर पर पुलिस और मुतालिका इदारों को आगाह किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हजारों अफराद की सेहत और जानों से खेलने की कोशिश को नाकाम बना दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस टैंक में पानी को साफ करके इलाके के 15,000 रिहायशियों को पानी फराहम किया जाता है। अमरीकी वफाकी तहकीकती एजेंसी FBI और सीक्रेट सर्विस इस वाकये की तहकीकात कर रही हैं।
आलमी इदारे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस की नई अकसाम सामने आने के बाद इसकी रोकथाम के लिए बनाई गई वैक्सीन के मौसर होने से मुतालिक तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत की जानिब से कोरोना वायरस की नई इकसाम सामने आने के बाद इसकी रोकथाम के लिए बनाई गई वैक्सीन के मौसर होने से मुतालिक तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आलमी इदारा सेहत के सरबरा टेड्रोस एडहानोम ने कहा है कि कोरोना की नई शक्ल सामने आने के बाद जनूबी अफ्रीका में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन लगाने का सिलसिला मुअत्तल करने के बाद हमें इस बात का अंदाजा कर लेना चाहिए कि इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हमें हर तरह के इकदाम करना होंगे। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा कि कोरोना वायरस की नई सामने आने वाली शक्लों और एकसाम ने दस्तयाब वैक्सीन के मौसर होने से मुतालिक कई शुबहात और तहफ्फुज़ात पैदा कर दिए हैं। उन्होंने इसे तशवीशनाक खबर करार दिया कि कोरोना वायरस के लिए दस्तयाब वैक्सीन में से कोई भी जुनूबी अफ्रीका में तशखीस होने वाली कोरोना वायरस की तब्दील शुदा शक्ल के खिलाफ पूरी तरह मौसर नहीं है। दूसरी जानिब जुनूबी अफ्रीका में मुल्क में वायरस की नई शक्ल के खिलाफ हौसला अफजा नतज सामने आने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही वैक्सीनेशन का सिलसिला रोक दिया गया है। मारूफ गुलूकार और सोशल वर्कर शहजाद रॉय ने अपने नए रैप सॉन्ग कौन किसका आदमी है में भारतीय वजीर आजम की खिंचाई की, जो सोशल मीडिया सार्फीन को भा गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपने इस नए रैप सॉन्ग में शहजाद रॉय खुद भी शामिल हैं और गाने के एक हिस्से में उन्होंने मोदी की तरह एक शख्स को भी अपनी वीडियो में शामिल किया है। गाने में ये भी दिखाया गया है कि पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान की तरफ से जज्बा खैर सगाली के तहत किस तरह रिहा किया गया था। एक और सारिफ ने गुलकार की तारीफ करते हुए कहा कि म्यूजिक के जरिए असल मसाइल को उजागर करना बेहतरीन है। भारत में दो माह से जारी किसान एहतजाज की एक और अदाकारा ने हिमायत कर दी। अब तक ज्यादातर फनकार इस मामले पर गैर जानिबदार रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में दो माह से जारी किसान एहतजाज की एक और अदाकारा ने हिमायत कर दी। अब तक ज्यादातर फनकार इस मामले पर गैर जानिबदार रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक 26 साल भारतीय अदाकारा और सुपर मॉडल अरुषि रुतिला ने किसानों के एहतजाज की हिमायत करते हुए कहा है कि किसान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं और अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। अरुषि रुतिला ने शिमला के दौरे के दौरान कहा कि मैं किसानों की हिमायत करती हूं क्योंकि वो अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।